उपनगरीय बस चालकों में बीच रोड पर जमकर विवाद हो गया। ड्रीमलाइन चौराहे पर लठ और लोहे की रॉड से बस चालकों के बीच मारपीट तक हो गई। घटना के बाद पूरा मामला कोतवाली थाने पहुंचा। मंगलवार को शहर के ड्रीमलाइन चौराहे पर दो उपनगरीय बस के चालकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बस चालक आपस में लठ और लोहे की रॉड से मारपीट करने लगे, जिसमें तीन लोग घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बस चालकों को पकड़कर थाने ले गई। बस में बैठे यात्रियों ने बताया है कि दोनों बस के चालक राव से लड़ते हुए आ रहे थे। दोनों में विवाद बस आगे पीछे लेने की बात को लेकर हुआ था। फिलहाल पूरे मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। कुछ नहीं, मोहन टाकिस पे गाड़ी रुकवाई। हाँ। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। हाँ। गाड़ी में बैठ गए, मारपीट करने लग गए मेरे स्टाफ से। कौन मार रहा था? मोनू नाम है, मोनू वर्मा ट्रेवल्स चलाता है, मुकेश वर्मा की गाड़ी है, वर्मा ट्रेवल्स। मोनू और सोफियान यहाँ से लठ से लठ से लोहे के पाइप से तीनों को लगी सर। मेरे को हाथ में लगी, इनको सर में लगी, फोन आ गई सिला और पैसे भी छीन के भाग गए। वो कम से कम 4-6 हज़ार रुपये थे। विवाद हुआ था ये सर, हम गए थे इधर राव इधर से जाने में, उनकी गाड़ी हमारे पीछे है, उनने क्या है गाड़ी आड़ी टेढ़ी लगाने में भैया को टक्कर मार दी थी, टल्ला मार दिया था।